नमस्कार दोस्तों, आज हम सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन और फिटिंग करना सीखेंगे। जब भी हम मार्केट से नया सीलिंग फ़ैन लाते हैं, उसको बॉक्स के बाहर निकाल के डायरेक्ट फर्श पे रखते हैं। ऐसे नहीं रखना है हमको, या तो मैट को नीचे डालना है और फिर फ़ैन को रखना है, या फिर कोई कपड़ा डाल लीजिए, नहीं फिर बॉक्स के अंदर इस तरह से थर्मोकोल आता है, इसके ऊपर रहने दीजिए। ऐसे ऐसे सीलिंग फ़ैन को आप देखोगे, इधर कनेक्शन हुआ हुआ मिलेगा आपको। ये इधर पावर ही आपको जोड़नी होती है। अब इसकी सभी एक्सेसरीज़ वगैरह कैसे लगानी होती है वो आप देखिए। साथ में इस तरह से आपको स्टड पाइप मिलेगा, जो कि इसी से सीलिंग पे ये लटकता है। स्टड पाइप के एक साइड में आपको इधर तीन होल दिखाई देंगे, ये डायरेक्ट होल यहाँ से यहाँ पार और एक यहाँ पे, और इस साइड आपको टोटल चार दिखाई देंगे, इधर डायरेक्ट होल और ये वाला स्लॉट कटी हुई होल है। अब इसका अलग अलग काम होता है, हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं, वैसे लगाना नहीं होता, इसको इसी को देख के लगाना होता है। इसको आप उल्टा पुल्टा लगाते हैं, फैन आवाज़ करता है और गिरने का चांस बन जाता है। अब इसमें आपको ले लेनी है इस तरह की वायर। वायर की लंबाई आप सीलिंग रोड जहाँ से लगा है वहाँ से वायर लेकर के आएंगे। हमने ये 2 फुट के आसपास वायर ली है। वायर लेने के बाद वायर के आगे से ये दो हैं, दोनों अलग अलग वायर, इनको इकट्ठा कर लीजिए। ऐसे इकट्ठा हो गया, इसमें आपको क्या करना है, जिस साइड में तीन होल दिए गए, डायरेक्ट होल आर पार और एक ये वाला, इसके अंदर से इसको आप डाल लीजिए। ऐसे वायर को, वायर इधर पार निकल गई है। अब इस वायर को ऐसे लेकर के आना है, जैसे स्लॉट बनी, स्लॉट के अंदर से इस होल में लेके आना है। आप इस साइड भी निकाल सकते हो। अब ये स्टड को कैसे लगाना है, आपको स्टड लगाने के लिए ऐसे स्टड को लगा लेना है और ये कनेक्शन वाली वायर इधर में रहे। अब आपको इसके साथ ही साथ इस तरह की ये नट बोल्ट वगैरह क्लैंप वगैरह मिलेगी, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, इसको बाद में, पहले ये वाला। इसको देखिए आप, इसके साथ में आपको सेफ्टी पिन मिलती है। सेफ्टी पिन को ऐसे हाथ से दबा करके निकालिए, ये बोल्ट को खोल लीजिए। यहाँ से खुलने के बाद इसमें आपको स्प्रिंग वाशर मिलती है, स्प्रिंग वाशर को ही देख के लगाना होता है, वरना ये बोल्ट आपका फ़ैन चलते चलते कट जाता है और गिरने का चांस यही होता है। अब इसको लगाना कैसे है, आपको जो आर पार होल था उसके अंदर से इस साइड से डालना है, कैपेसिटर की साइड ये रहेगी और इस साइड में आप इसको लगाइए ऐसे, फिर ऊपर में स्प्रिंग वाशर बाहर की साइड से अंदर डालनी है। डाल लेने के बाद ऊपर में इसका बोल्ट को लगा दीजिए, ऐसे नट लगा दीजिए इसमें, और इसको आप फुल टाइट कीजिए। ये फुल टाइट हो गया है, इस तरह से टाइट कीजिए। अब इसमें स्लॉट कटी हुई है, ये क्या होता है, जब बोल्ट को कसते हैं तब ये अंदर की टाइप तरफ प्रेस हो जाती है, इसकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ में ये अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाती है, इसलिए स्लॉट दी होती है। इसमें अब आपको सेफ्टी पिन लेना है, सेफ्टी पिन को फेंकना नहीं है, सेफ्टी पिन अंदर डालिए ऐसे, और एक साइड से इसको ऐसे बैंड कर दीजिए, एक साइड की करनी है, दोनों साइड की नहीं करनी है, इस तरह से। ये इस तरह से काम हो जाने के पश्चात आपको क्या करना होगा कि अब इसमें कनेक्शन कर लीजिए आप। ये कनेक्शन फैन के करते समय आपको ध्यान में रखना होगा,
फेज और न्यूट्रल वायर का। इसमें ये वाली रेड वायर फेज है, फेज वायर को आपको ये इस पॉइंट पे रखना होगा, यहाँ पे फेज वायर को रखना होगा आपको, ये हो गया। न्यूट्रल वायर नीचे में रखना होगा और जब भी करें इसको आगे से हल्का सा बेंड करके लगाइए ताकि लगाने में सहूलियत रहे और अच्छे से ये टाइट भी हो सके। ये लीजिए, ये हो गया। एक्स्ट्रा वायर थोड़ी खींच लीजिए और यहाँ इतना ही छोड़ दीजिए ताकि वायर टेंशन न बनी रहे, थोड़ी फ्री रहे वायर। ऐसे ऐसे हो जाने के बाद अब आपका मेन काम रह गया है, इसमें ये सेफ्टी कैप लगाना। दो कैप मिलती हैं आपको, अब दोनों कैप कैसे लगानी, दोनों में अंतर दिखाई देगा आपको। एक रहता है लंबा और एक रहता थोड़ा फैला हुआ, इसका साइज फैला हुआ है, ये देखिए। अब ये लगाते समय हम इसको भी गलती करते हैं, कई बार क्या होता है इसको ऊपर वाले को नीचे लगा देते हैं, नीचे वाले को ऊपर लगा लेते हैं। अब इसमें आपको करना इतना ही है, जो ज़्यादा फैला हुआ है इसको आप नीचे में रखिए ऐसे, क्योंकि नीचे कैपेसिटर रहता है, ज़्यादा फैलाव चाहिए, यहाँ तक ढक जाना चाहिए फैन। इसके अंदर डालिए और ये वाली कैप को यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, हल्का सा ऊपर उठा के रखिए ताकि नीचे में टच ना हो, टच होगी तब ये चलते चलते आवाज़ करेगी। ये लग गई है। इसके बाद ऊपर की कैप, ऊपर की कैप ऐसे लगानी होगी उल्टी, ये हुक्म को ढकने के लिए होती है ताकि सीलिंग का जो हुक लगा हुआ है वो दिखाई न दे। इसको जब भी आप लगाओगे हुक में टच करके लगाओगे, ये हो गया ऐसे। इसमें बोल्ट आते हैं, स्क्रू वगैरह, वो टाइट कर सकते हैं, इसमें है नहीं, ये फिक्स हो जा रहा है। अब ये काम हो जाने के बाद वायर यहाँ से निकाल देनी है, ये वायर को यहाँ से निकाल लेनी है। ये सभी काम आपको फैन के को नीचे रख कर ही करने होंगे। फैन एक बार ऊपर आप टांगोगे तब आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। इस तरह से वायर को अंदर यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों वायर बिल्कुल इजी तरीके से बाहर निकल आएगी। ये निकल आई, आ गई वायर, ये देखिए। इसके बाद आपको क्लैंप लेने दें, ये दिखा देते हैं आपको, ताकि ये वाली, इसमें आपको ये रबर वाला साइड अभी नहीं खोलना है, पहले ये वाला खोलना है। इसको सेफ्टी पिन को यहाँ से निकालिए, सेफ्टी पिन ज़रूरी है लगानी, और बोल्ट को खोल लीजिए, ये निकाली। स्प्रिंग वाशर, स्प्रिंग वाशर भी लगाना ज़रूरी है, फैन वाइब्रेशन करता है चलते चलते, उसके कारण से ये नट लूज हो जाता है और फैन गिर जाता है। इसको लगा देते तब एक जगह नट खुलता नहीं है, फिक्स हो जाता है। अब इसको लगाना कैसा है आपको, ये इस साइड से, इधर से एक में डाला और यहाँ पे हो गया ये, फिक्स, ये हो गया। अब इसमें डालना है स्प्रिंग वाशर, ये आ गया स्प्रिंग वाशर, ये आ गया नट बोल्ट इसका, और ये टाइट कर दीजिए ऐसे, ये हो गया। इसको अभी के लिए पूरा टाइट नहीं करना, जब छत में आप लगाएंगे
तभी इसको पूरा टाइट करके उसके बाद इसमें सेफ्टी पिन को ऐसे लगा लीजिए। ये हो गया, ये वायर है, ये सीलिंग में जो सीलिंग रोज लगा हुआ है उसमें लग जाएगी फेज और न्यूट्रल के साथ में। अब रह गई इसमें आपको दिक्कत क्या आने वाली है, ब्लेड लगाते समय। अब ब्लेड कैसे लगाने हैं वो आप देखिए, हम आपको एक ब्लेड लगा करके दिखा देते हैं। ये फैन ब्लेड है, इसके साथ में थोड़ा अलग कलर है इसका। ये देखिए ब्लेड लगाते समय ये इधर दो बोल्ट दिए हुए हैं स्क्रू, इनको ऐसे खोलिए, खोल लीजिए। ये खुल जाने के बाद आप इसमें ब्लेड लगाते समय फैन को हमेशा ऊपर में रखिए, ऐसे जैसे ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ऐसे हाइट पे। ब्लेड लगाते समय ब्लेड ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए, वरना ब्लेड हल्का सा बैंड होगा, फैन हवा नहीं देगा जितना उसको देना होता है। अब जैसे ये हाइट बनी हुई है इसकी, इस पे ऐसे लगा लीजिए ऐसे, और इसको टाइट कर लीजिए। इसमें स्प्रिंग वाशर अगर है तो स्प्रिंग वाशर ऊपर में लगेगी, लेकिन इसमें दी नहीं है, इसमें ये रिंग वाशर दिया हुआ जो ऊपर में लगा हुआ है। स्प्रिंग वाशर और रिंग वाशर को आपको देख करके लगाना होगा। इस तरह से ऐसे उठा लीजिए, उठा लेने के बाद अच्छे से इसको टाइट करिए। ये ब्लेड ऐसे आपको तीनों ब्लेड लगा लेने, तीन है तीन, चार है तो चार। इस तरह से आप सीलिंग फैन के कनेक्शन और फिटिंग कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब सीलिंग फैन में सभी ब्लेड वगैरह लग के रेडी हो गए, अब इसको सीलिंग के हुक में लटका दीजिए और कनेक्शन कर दीजिए। दोस्तों ये हमने आपको करके दिखा दिया, सीलिंग फैन इंस्टॉलेशन कनेक्शन। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।